उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कल सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर जाम लगा दिया और प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने भी ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया। देखिए इस रिपोर्ट में। गांव के सदर कोतवाली क्षेत्र के देवी खेड़ा निवासी दो युवकों की कल सड़क हादसे में मौत हो गई। उसी के चलते आज परिजनों ने सड़क जाम कर दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव होने के बाद कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी एक्शन लेते हुए ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया। बीते दिवस शहर कोतवाली के गांव देवीखेड़ा निवासी दो युवकों की सड़क हादसे में मौत हुई थी, जिसके बाद ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर जिला अस्पताल के सामने जाम लगाना शुरू कर दिया। आज परीक्षण के बाद शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों और परिजनों ने पुनः मुआवजा मांग लेकर शुक्लागंज उन्नाव राजधानी राजमार्ग पर मगरबारा में शवों को रखकर जाम लगा दिया। एसडीओ और सीओ ने समझाने का प्रयास किया तो ग्रामीण उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद बचाव में पुलिस ने ग्रामीण पर बलप्रयोग करते हुए ग्रामीणों को खदेड़ दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मगरबारा पुलिस चौकी के पास एक मार्ग दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद FIR दर्ज करके PM कराया गया। आज पोस्टमार्टम के बाद कुछ अराजक तत्वों द्वारा डेड बॉडी को सड़क पर रख करके यातायात बाधित कर दिया गया। जो उन्नाव और कानपुर के बीच में मुख्य मार्ग है उसको बाधित किया गया, शुक्लागंज होते हुए जो कानपुर जाता है। और इसके बाद पुलिस ने यहाँ पर रास्ता खुलवाने का प्रयास किया तो उनके ऊपर हमला भी किया गया, पथराव किया गया। इसमें कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें FIR दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके ऊपर जो नुकसान हुआ उसका जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। पीड़ित परिवार क्या मांग कर रहा था? पीड़ित परिवार आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहा था। आर्थिक मुआवजे के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया था, SDM मौके पर मौजूद थे, कल भी मौजूद थे, उनको आश्वासन दिया गया था कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है उसके अंतर्गत उनको पूरी से पूरी मदद की जाएगी। पुलिस के कितने जवान इसमें है? अभी हम पुलिस के जवानों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अब तक 15 आसपास जवानों के घायल होने की सूचना है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल कराए जाने के बाद जो भी मेडिकल रिपोर्ट होगी उसके अनुसार यथानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मैं चाहता हूँ ये गरीब लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका पिता आज नहीं रहा, अरे उनके लिए भी तो कोई घोषणा की जाए। आप ग्राम समाज की जमीन है, हमारी मांग है, आजाद समाज पार्टी की मांग है कि प्रति परिवार जन को 5-5 बीघे जमीन और 25-25 लाख का रुपए का कम से कम मुआवजा दे। आजाद समाज पार्टी की मांग है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मगरवारा चौकी के पास देवीखेड़ा गांव के दो युवकों की कल देर शाम सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के कारण आज ग्रामीणों ने शुक्लागंज राजधानी मार्ग को पूरी तरीके से जाम किया। ग्रामीणों का कहना है कि 25 लाख रुपया व 5 बीघे जमीन प्रति युवक को मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं हम लोगों की मांग पूरी की गई तो हम लोग शुक्लागंज राजधानी मार्ग को पूरी तरीके से जाम करेंगे। वही सूचना की जानकारी मिलते हुए मौके पर सदर कोतवाली पुलिस पहुंची, ग्रामीणों को समझाने की कोशिश किया, लेकिन ग्रामीणों की मांग ना पूरी होने के कारण ग्रामीण व पुलिस में जमकर पत्थरबाजी हुई। वहीं पूरे मामले की जब जानकारी जिला अधिकारी को हुई, मौके पर जिला अधिकारी पहुंचकर ग्रामीणों को शांत किया। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, खबर एक्सपर्ट।